आशा तो माननीय राज्यपाल महोदय पर है कि जो हम लोग को मांग को वो सुनेंगे और हमारा जो मेरिटधारी 675 है उसका न्याय मिलेगा और हक मिलेगा। हाँ, विश्वास तो है, लेकिन जैसे तेजस्वी जी ने पिछली बार कहा था कि आप हमें सरकार में लाइए, इस बार तो वो सरकार में आ गए हैं, तो उम्मीद तो है। आप देख रहे हैं नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल TD न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, TD न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रतिभा सिंह। अभी मौजूद है हम गर्दनी बाग धरना स्थल पर। यहां पे स्टेट मेरिट के अभ्यर्थी है जो लगातार धरना प्रदर्शन किए थे। धरना प्रदर्शन करते करते ये लोग आज उग्र हो गए हैं और उग्र होकर राजभवन मार्च करने जा रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं वो उग्र हो चुके हैं। क्या कहेंगे, आज आप लोग उग्र हो चुके हैं? जी, हम लोग को नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए जी, हम लोग मेरिट में आए हुए हैं और इसीलिए यहाँ पे पूरा लाखों हजारों की संख्या में भीड़ है जो राजभवन को मार्च करने जा रहे हैं। तो क्या लगता है, राजभवन मार्च करने से ये जो मांगे पूरी हो जाएगी? आशा तो लेकर हम लोग चले हैं। आशा तो माननीय राज्यपाल महोदय पर है कि जो हम लोग को मांग को वो सुनेंगे और हमारा जो मेरिटधारी 675 है उसका न्याय मिलेगा और हक मिलेगा। तो अभ्यर्थियों को पूरा विश्वास है कि इस बार तेजस्वी का जो महागठबंधन का सरकार बना है तो अब इस बार न्याय मिलेगा। क्या कहेंगे आप लोगों ने? हाँ, इस बार हमारे सरकार बनी है, तेज प्रताप जी, हमसे मांग पूरी हो जाएगी, निश्चित है। कितना विश्वास है इस बार? आप पटना की धरती पर सैकड़ों से ज्यादा की संख्या में आए। हाँ, विश्वास तो है, लेकिन जैसे तेजस्वी जी ने पिछली बार कहा था कि आप हमें सरकार में लाइए, सरकार को, इस बार तो वो सरकार में आ गए हैं, तो उम्मीद तो है। तुमसे कल क्या कहेंगे आज जब तुम राजभवन मार्च करने जा रहे हो? राजभवन मांग अपनी मांगों को पूरा करने के लिए, उनसे वार्ता करने के लिए जा रहे थे। पिछले 1.5 सालों से हम लोग धूल पर फाक रहे हैं, रोड पे धूल फाक रहे हैं, मेरिट में आने के बावजूद धूल पर फाक रहे थे। तेजस्वी यादव जिन्होंने अपने पिछले कैंपेन में, पिछले चुनाव में जो वायदा किया था, वो चुनाव में वायदे को अपना याद करें, या यहाँ से मिलने भी गया था लोग, उन्होंने वायदा किया था कि सरकार में हम आएंगे, हम आपकी मांगों को एकदम विचार करेंगे और ये होगा। अब अपने वो वायदा को पूर्ण करें जिससे वो उन्होंने वायदा किया था। भाई, हम लोग 30,675 जो मेरिट में हैं, उस सरकार से यही मांग करना है कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करें और जल्द से जल्द नियुक्ति हम लोग को दे। बोलिए, क्या आप लोग राजभवन मार्च करने? हाँ, राजभवन मार्च हम लोग जा रहे हैं। देखिए, सरकार से हमारी मांगे हैं जो रखेंगे और नहीं मानेंगे इसके बाद हम लोग बहुत बड़ा महाकुंभ आंदोलन कहिए पटना के सड़कों पर होगा, जो कभी हुआ नहीं। आप लोगों को मेरिट में भी आए हुए हैं और एक योग्य टीचर भी हैं आप लोगों को कहा जाए तो, और स्कूल में रहने की जगह आप लोग रोड पे भटकते हैं। बस सरकार के मतलब बददिमागी कहिए, जो क्वालिटी वाले टीचर उनसे नहीं सिलेक्शन हो रहा है। उन लोग के माल कमाने माने माल मूर्खों टीचर मतलब डिग्री वाला टीचर चाहिए उनको। पहले भी लगातार आप लोग 1.5 महीना तक डेढ़ महीने तो धरना करवे किए, उसके बाद 3 साल से भटक रहे हैं हम लोग। 3 साल से सोचिए, जिस राज्य में क्वालिटी वाले टीचर रोड पर झक मार रहे हैं, उस राज्य के शिक्षा क्या होगा समझ सकते हैं। स्तर एकदम विहीन हो जाएगी और बिहार देख ही रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में नीचे से टॉप है। तो जैसा कि आपने देखा, स्टेट 19 मेरिट के अभ्यर्थी है हमारे साथ था और ये एक बार उग्र हो चुके हैं और अपने मांगों को लेकर ये राजभवन मार्च करने जा रहे हैं। देखने वाली बात ये दिलचस्प होगी कि इन लोगों की मांगे पूरी होती है कि नहीं होती है, तो आने वाला समय ही बताएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे TD न्यूज़। धन्यवाद।